सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, यहाँ पर कल 28 सितंबर को द वैक्सीन वॉर वर्सेस फुकरे 3 मूवी रिलीज होने वाली है। तो भाई साहब, कितना बड़ा है ये क्लेश एंड इनकी एडवांस बुकिंग भाई साहब कितनी हो चुकी है एंड यहाँ पर कितनी ओपनिंग ले सकती भाई साहब, कितना कलेक्शन ये मूवीज कर सकती हैं एंड क्या क्लेश से भाई साहब कुछ फर्क पड़ेगा मतलब कि इनके कलेक्शन में या फिर नहीं, तो भाई साहब इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर गाइज देखो, क्लेश तो ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है भाई साहब। यहाँ पर अगर 2023 का हम सेकेंड बिगेस्ट इसको क्लेश बोले तो ये गलत नहीं होगा, मतलब कि इससे पहले एक सबसे बड़ा क्लेश हो चुका है 2023 का, आपको पता होगा गदर 2 वर्सेस OMG 2 मूवी का सबसे बड़ा भाई साहब 2023 का क्लेश हो चुका है। लेकिन अब तो उससे भी बड़ा क्लेश आ चुका है डंकी वर्सेस सलार का, लेकिन सलार के मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है तो उसको अभी साइड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सलार वर्सेस डंकी नहीं होता है तो ये सेकंड भाई साहब बिगेस्ट क्लेश होगा 2023 का गदर 2 वर्सेस OMG 2 मूवी के बाद। एंड अब बात करते हैं भाई साहब कि क्या कुछ कमाल कर सकती है। तो गाइस, यहां पर फुकरे 3 मूवी पार्ट 3 है भाई साहब, मतलब फुकरे मूवीज की फ्रेंचाइजी का पार्ट 3 है ये एंड यहां पर मुझे लगता है ये मूवी चल सकती है। जी हां, मतलब कि पार्ट 1 भी चला, पार्ट 2 भी इसका चला है एंड पार्ट 3 भी चल सकता है क्योंकि मूवी आसपास ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी जवान चल रही है। लेकिन उसका कलेक्शन अब डाउन हो चुका है, मतलब काफी ज्यादा डाउन हो चुका है अपने शुरुआती दिनों के हिसाब से अभी, क्योंकि ये मूवीज चलने वाली है इसलिए। एंड द वैक्सीन वॉर गाइस, इससे मुझे उम्मीद काफी ज्यादा है इस मूवी से, क्योंकि यहां पर जब द कश्मीर फाइल आई थी तभी से भाई साहब मुझे इस मूवी से उम्मीद है, क्योंकि इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री है। तो यहां पर इससे मुझे उम्मीद काफी ज्यादा है एंड मुझे लगता है ये कमाल कुछ कर सकती है मूवी। लेकिन एडवांस बुकिंग में भाई साहब फुकरे 3 मूवी ज्यादा आगे चल रही है द वैक्सीन वॉर से। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, मतलब कि फुकरे 3 की एडवांस बुकिंग ना गाइस करोड़ों में चली गई है एंड यहां पर द वैक्सीन वॉर की करोड़ में नहीं गई है, अभी तक लेख में ही पड़ी है, मतलब द वैक्सीन वॉर की एडवांस बुकिंग। तो यहां पर कहीं ना कहीं अभी तक फुकरे 3 मूवी की हाइप एंड यहां पर फुकरे 3 मूवी की एडवांस बुकिंग या वैक्सीन वॉर से ज्यादा हो रही है। इसके भाई साहब बुक माई शो भी ज्यादा हो चुके हैं वैक्सीन वॉर से, मतलब कि द वैक्सीन वॉर मूवी से ज्यादा बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुके हैं फुकरे 3 मूवी के। तो अभी तक भाई साहब फुकरे 3 मूवी की हाइप कहीं ना कहीं द वैक्सीन वॉर से ज्यादा मुझे लग रही है। तो गाइज, अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि द वैक्सीन वॉर की हाइप कम है तो भाई साहब मूवी कलेक्शन भी नहीं करेगी, ऐसी बात गाइज नहीं है। यहां पर कुछ कुछ मूवीज ऐसी होती है जो रिलीजिंग के बाद कमाल करती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो OMG 2 मूवी, भाई उसकी एडवांस बुकिंग आप देखना एक बार, एडवांस बुकिंग मतलब कुछ हुई ही नहीं, गदर 2 की बात चल रही थी लेकिन भाई रिलीजिंग के बाद क्या कमाल किया मूवी ने, आपको खुद को पता है। तो कुछ कुछ मूवीज ऐसी होती है जो ऑडियंस के रिव्यू पर डिपेंड होती है, मतलब रिव्यूज अच्छे आ जाते हैं तो मूवी भाई सब चल जाती है एंड मुझे तो लगता है ये दोनों ही मूवी चल सकती है। मतलब फुकरे 3 का बजट लगभग 50 करोड़ का है एंड आराम से भाई साहब अपना बजट रिकवर कर लेगी एंड द वैक्सीन वॉर का बजट तो काफी ज्यादा शॉकिंग है, मतलब कि यहाँ पर 12.5 करोड़, मतलब 12 करोड़ के बजट में भाई साहब द वैक्सीन वॉर मूवी बनी है। और पोटेंशियल कितना रखती मूवी, लगभग अगर रिव्यू अच्छा आ गया तो 200-300 करोड़ का कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है द वैक्सीन वॉर मूवी। तो मतलब काफी कम बजट में डायरेक्टर ने इस मूवी को बना दिया है तो ये काफी अच्छी बात है एंड द वैक्सीन वॉर तो काफी जल्दी अपना बजट रिकवर कर लेगी एंड फुकरे 3 भी कर लेगी। लेकिन अब इंतजार है भाई साहब ऑडियंस के रिव्यू का, अगर ऑडियंस के रिव्यू भाई साहब अच्छे आते हैं, यहाँ पर फुकरे 3 एक कॉमेडी मूवी है आपको पता होगा, अगर दोनों ही मूवी के रिव्यू अच्छे आते हैं पब्लिक रिव्यू तो दोनों ही मूवी चलेगी गाइस, दोनों ही मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी, दोनों ही मूवी हिट हो जाएगी क्योंकि आसपास ज्यादा बड़ी मूवीज नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ी मूवीज अक्टूबर के मंथ में भी 10-12 तारीख के बाद आने वाली है। तो मतलब काफी सारे दिन है इन दोनों मूवीज के पास अच्छा खासा कलेक्शन करने के लिए और भाई साहब ये दोनों मूवीज कर भी लेगी। एंड यहाँ पर देखते हैं अब मूवी के रिव्यू कैसे आते, पब्लिक को पसंद आती है मूवी या फिर नहीं, अगर टच कर गई मतलब मूवी ऑडियंस को टच कर गई तो दोनों ही मूवी चलेगी, जाहिर सी बात है यहाँ पर मतलब मूवी भाई साहब क्लेश भले ही होती है अगर ऑडियंस के रिव्यू दोनों ही मूवीज के अच्छे आते हैं तो भाई साहब दोनों ही मूवीज कलेक्शन कर लेती है। तो यहाँ पर अब देखते हैं भाई साहब कल मूवीज रिलीज होने वाली है और गाइस द वैक्सीन वॉर मूवी का एंड यहाँ पर फुकरे 3 मूवी का रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जरूर आएगा, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।
लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ऐसी ही और नई वीडियोस के लिए। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।